हे गाइस, कुछ समय से मैं वैसे ही वीडियो बना के डाल रहा था, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि व्लॉगिंग स्टार्ट करें, तो ये मेरा पहला व्लॉग है। और अगर आप में से कुछ लोग मुझे जानते हैं पहले से, तो पता ही होगा कि मुझे घूमने का कितना शौक़ है। ऐसा कोई प्रॉपर डेस्टिनेशन नहीं है जहाँ मुझे पहुँचना है, लेकिन क्योंकि पहाड़ों से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो पहाड़ों की तरफ ही हम चल रहे हैं। डीजल फुल करा लें गाड़ी में। भाई डीजल फुल कर दियो। हाँ लो जी दोस्तों, टंकी भी फुल हो गई है और हम भी फुल हैं खा पी के। ये दोस्तों देखो, गन्ने का खेत है। गन्ने का खेत देख के गन्ने का जूस पीने का मन कर रहा है। मिल गया जी जूस वाला। और क्या बनता है जूस के अलावा? जूस ही बनता है, तो सोचना पड़ा ना भाई, मुझे कभी वैसे घूमने के लिए आए हो। ना 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 बर्फ नहीं डाली? बर्फ आज रहे भाई जी, अभी मजा आ गया भाई। यहाँ से हरिद्वार करीब 100 किलोमीटर है। हरिद्वार पहुँच के डिसाइड करते हैं कि आगे क्या कहाँ जाना है। काश भारत की सारी सड़कें ऐसी हो जाएं, एकदम साफ सुथरी, कोई भीड़ भाड़ ना हो। ये गौ माता कहाँ से इतनी सारी। दोस्तों लोगों ने नदी के बीच में ही खेती शुरू कर दी है। भाई 20 किलोमीटर रह गया हरिद्वार। ये हमारे लेफ्ट में गंगा जी चल रही है साथ साथ। कितनी देर का है? लो जी दोस्तों, हरिद्वार पहुंच गए हैं। पार्किंग में गाड़ी लगा दी है। प्लान ये है, अभी मैं जाऊंगा अपना, ये देखिए पहले पीछे गंगा बह रही है। प्लान ये है कि अभी मैं जाऊंगा हर की पौड़ी पे, आराम से वहाँ कुछ देर बैठूंगा। वो ऊपर माँ मनसा देवी का मंदिर। वहां पे आरती हो रही है। पूरे घाट पे बहुत लोग बैठे हैं, शायद वीकेंड है तो उसका मतलब भीड़ है, या फिर ये आरती का टाइम है इसलिए यहाँ पे इतने सारे लोग हैं। भाई मज़ा आ गया हर की पौड़ी पे बैठ के। थोड़ी देर पाँव एकदम ठंडे हो गए हैं, एकदम
इतनी दूर गाड़ी चला के आया था वो एकदम फर्स्ट क्लास हो गए भाई। चाय बना दी एक यार, कूलर में चाय। भाजी भाजी